आइए आज हम आपको मिलवाते हैं शेख मिन्हाज उल इस्लाम उर्फ शेख मेराज से, जो लगातार आम लोगों के बीच में रहकर आम जन की सेवा में लगे रहते हैं। बता दे कि तृणमूल कांग्रेस की ओर से शेख मिन्हाज उल इस्लाम बंगिया संख्या लघु बुद्धिजीवी मंच का हावड़ा जिला ग्रामीण के प्रेसिडेंट है, और ये पोस्ट मिलने के बाद वो आवाम के बीच और भी सक्रिय हो गए हैं और इस काम में उनका पूरा साथ दे रहे हैं बुद्धिजीवी मंच के स्टेट प्रेसिडेंट ओयाजुल हक। पिछले दिनों उन्होंने भी उल्बेरिया केंद्र का दौरा किया। उल्बेरिया केंद्र आमता अंतर्गत अमरोगढ़ी में एक वृद्धा आश्रम में जब वे पहुंचे तो वो बेहद भावुक हो उठे। उन्होंने सभी से मुलाकात की और सबका हाल जाना। बता दे इस दौरान ओयाजुल हक ने वृद्धा आश्रम में रह रही महिलाओं से वादा किया कि वो बहुत जल्द ही एक कैंप लगाएंगे और जिन महिलाओं का आधार कार्ड और स्वास्थ्य साथी कार्ड नहीं है वो सब मुहैया कराएंगे और तमाम जरूरतों को पूरा करने के लिए ओयाजुल हक और शेख मिन्हाजुल इस्लाम हर वक्त उनके साथ खड़े हैं। इस दौरान शेख अजीजुर रहमान भी वहाँ उपस्थित थे। वृद्ध आश्रम के बाद शेख मोहम्मद ओयाजुल हक का काफिला कल्याणपुर निमतल्ला बगनान की तरफ बढ़ा, जहां इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के मौके पर स्टार क्लब में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कई लोगों ने ब्लड डोनेट किया। यहां चीफ गेस्ट के तौर पर शेख ओयाजुल हक शामिल हुए। उन्होंने सभी को बधाइयां दी और इस दौरान पूर्व सांसद मरहूम सुल्तान अहमद को भी याद किया गया। इसके बाद शेख मोहम्मद ओयाजुल हक ने अपनी स्पीच से वहां बैठे लोगों और कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही हमें अपना दायरा बढ़ाना होगा और बड़ी टीम के साथ काम करना होगा, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। यहां सभी मेहमानों को उत्तरीय पहनाकर और मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया गया। इस खास अवसर पर स्थानीय विधायक सुकांत पाल, क्लब के प्रेसिडेंट शेख सैदुल इस्लाम, सेक्रेटरी शेख अरिफुल आलम भी मौजूद थे। इसी के साथ ही इलाके में बुद्धिजीवी मंच का एक दफ्तर का भी शुभारंभ किया गया। शेख ओयाजुल हक ने अपने हाथों से रिबन काट कर इसकी ओपनिंग की और इस दौरान शेख मिन्हाजुल इस्लाम भी साथ साथ नजर आए। सभी ने शेख मेराज को ढेर सारी बधाइयां दी। इस अवसर पर शेख ओयाजुल हक और मिन्हाजुल इस्लाम ने बताया कि यहां पर ऑफिस खुल जाने से तमाम काम आसान हो जाएंगे और जनता के बीच सभी कार्यकर्ता जुड़े रहेंगे और इसी तरह से तृणमूल के सैनिक घर घर तक जाकर काम करते रहेंगे। बताते चले इस मौके पर शेख मिन्हाजुल इस्लाम को बधाई देने के लिए अकबर हुसैन बादल, नुसरत अली, दीवान अनीसुर रहमान, नुद्रत परवीन व अन्य कई लोग कोलकाता से चलकर बगनान पहुंचे थे। इनके अलावा प्रधान बापी, शेख बंटी, आशित मित्रा व अन्य लोग शामिल थे। इस दौरान सभी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। वो दुख भरा दिल लेके यहाँ से निकल रहा हूँ मैं, जिसका सब है सुना बेटा है, बेटा नहीं देखता है, एक अल्बम को बताया, बहुत दुख दर्द कहानी है इन लोग का। इन लोग का जैसा अच्छा रहने के इसका बावजूद भी आगे तो कैसे कर अच्छा रहेंगे, हमको बहुत कुछ बताया। हम बात करेंगे हमारा लीडर से, नेत्री से बात करेंगे। मेरा यहाँ जो प्रेसिडेंट है मिराजुल इस्लाम मिराज साहेब है, उनसे भी मशवरा करके कैसे करके इन लोग किया जाएगा हम लोग करेंगे। मेरा संखलगु सेल का जनरल सेक्रेटरी भी है तो हक साहब, मेरा जनरल सेक्रेटरी महमूद हक साहब भी है और देवान साहब है, नुसरत साहब, हम लाए हुए हम मशवरा करके कैसे करें क्या किया जाएगा। जिन लोग जो प्रॉब्लम है जरूर देखेंगे हम। बहुत सारी चीज़ों का ज़रूरत है इन्हें, जैसे अभी इन्होंने बताया स्वास्थ्य साथी कार्ड, आधार कार्ड, तो गवर्नमेंट की तरफ से क्या कुछ सुविधा। हाँ, इसीलिए हमको पहले जानकारी होनी चाहिए क्या प्रॉब्लम। हम लोग का प्रेसिडेंट हम लोग का बोंगे और संखलगु यहाँ कैंप करेंगे, एक हम लोग बताएंगे वो कैंप करके इन लोग को। सबका नहीं है, एक दो आदमी का आधार कार्ड, बाकी सब आधार कार्ड भी है, रेशन कार्ड भी हमको बताया, शास्त्र की किसी का भी नहीं है, उसको भी हम लोग देखेंगे, शास्त्र कार्ड मिल जाएगा। उसका बाद भी लक्की भंडार जो हम लोग का दे दिया है अभी अप्रैल से 1000 रुपीज़ हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे
इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इन लोग को मिल जाएगा। ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, हर तरह से फैसिलिटी दी जा रही है, आगे क्या कोशिश रहेगी जो ना आगे इसको बेहतर से अच्छा कैसे कर रह पाएंगे लोग, इसको ऊपर नजरदारी हम लोग को इन्वेस्टिगेशन करने पड़ेगा क्या क्या प्रॉब्लम है। कुछ प्रॉब्लम बताया है, कुछ भी नहीं बताया इन लोग को, सब है टीम है, लेकिन हम प्रॉपर होती इन्वेस्टिगेशन करके इन लोग का जो जो प्रॉब्लम है सॉल्व करने के लिए कोशिश करूँगा। शेख मिनाजुल इस्लाम यहाँ पर जो है लगातार काम कर रहे हैं वृद्धाश्रम को लेकर और बाकी ऑर्गेनाइजेशन में, क्या कहना चाहेंगे? एकदम बहुत बढ़िया लड़का है, काम करने वाला आदमी है, सोच आदमी के लिए सोचता है, सबसे बड़ा बात है। हम लोग का काम ही है मनुष्य साथे मनुष्य पासे, ठीक है, काम करने वाला हम लोग है। तो मिराज हम लोग के यहाँ का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया, हम लोग हमने ममता दी ने बनाया उनको, तो इनशाला वो काम बहुत अच्छे तरीके कर रहा है। सोशल वर्क में सबसे आगे है इमराज भाई, तो इनशाला जो जो काम इलाका में, नॉट ओनली दैट ओल्ड एज होम, जहाँ भी कुछ आदमी प्रॉब्लम होगा कोई भी हो, हम लोग बोलते हैं एक बात है, अवहेलित तो, निपीड़ित तो, वंचित तो, शोषित तो, जिसका कोई ही नहीं है उसका BSBM है, हम लोग है उसका प्रेसिडेंट है। जैसा हमको प्रेसिडेंट हमको गाइड करेंगे, सर ऐसा करना वैसा करना, हम लोग बात करके, मेरा सबसे है हम लोग चीफ मिनिस्टर ममता दी से भी हम बात करेंगे। फर्स्ट टाइम मैं यहाँ आया हूँ सुल्तान दास से, बहुत बार मैं सुना था ये वृद्धाश्रम के बारे में, हमको बहुत बोला था लेकिन नसीब नहीं हुआ था, तो मिराज भी हमको लेके आया, अच्छा तो नहीं लगा, हम एकदम दिल से कह रहा हूँ अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा भी माँ है, मेरा भी माँ चला गया, सब मेरा माँ है, घर घर होता है सर, इन सब घर से बहुत उम्मीद है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, उम्मीद है अल्लाह रब्बुल आलमीन देने वाला अल्लाह पाक हम लोग जरिया है, कोशिश 100% करेंगे इन लोगों के लिए। इन लोगों को मुंह में हंसी बरकरार रहने चाहिए, मुस्कुराहट होने चाहिए, इसके लिए हम लोग कोशिश है। हम लोग आदमी के लिए काम करता हूँ, पिछले ब्लॉक जो आदमी है उन लोग के लिए हम लोग काम कर रहा हूँ, काम करने के लिए एक दफ्तर चाहिए, तो हम लोग का हावड़ा ग्रामीण का एक दफ्तर खुला है, हम लोग का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मिराजुल इस्लाम मिराज ने, और उसको उद्घाटन किया हूँ मैं, मेरा साथ उद्घाटन में शामिल थे हम लोग, हम उनको पॉलिटिशियन नहीं मानते, उनको एक सोशल वर्कर है, बहुत जिंदा दिल का इंसान है, बहुत बड़ा दिल का इंसान है और सिद्धा है हम लोग का। हमारा तृणमूल संखल गोसल का ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी जनाब एहतुल्लाह सिद्दीकी साहब है, मेरा दो जनरल सेक्रेटरी भी मेरा साथ आए हुए है, आलमगीर मुल्ला साहब है, महमूदुल हक साहब है, मेरा कोलकाता डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट है दीवान अनिशुर रहमान साहब है, हम लोग का नुसरत साहब है, हम लोग वेल विशर, तो हम लोग सब मिल के ऑफिस उद्घाटन किया हूँ, क्या है आज कायम किया ऑफिस को, एक ही बात तो दूंगा मैं, आदमी के लिए आदमी आएगा यहाँ, आदमी काम करने चाहिए, कभी भी हम लोग हम स्पीच में भी आप लोग सुने होंगे, हम लोग कभी कलर भी नहीं देखता हूँ, कोई रिलीजन नहीं देखता, हम लोग देखता हूँ इंसान, इंसान जो इंसान के लिए हम लोग काम कर रहा है। इलाके तो, में जो आम लोग हैं उन लोगों के लिए कितना आसान हो जाएगा? बहुत आसान होगा इंशाल्लाह, देखिए बहुत आदमी हम अगर आप देखिएगा, हम लोग हिस्ट्री पढ़िएगा बंकिम शंकर बुद्धि मंच का BSBM का, हम लोग पहाड़ से लेकर समतल का दिखते नहीं कुछ बिहार, इतना आदमी का काम क्या है एक दिन क्या एक दलील होगी आपको। इंशाल्लाह आमता असेंबली में जो कल्याणपुर में हम लोग आए हुए आज, यहाँ का आदमी का इंशाल्लाह कहीं इधर गया उधर गया उधर गया, कोई आज कोई काम करने के लिए जाता है तो बोलते ये वाला दो ये दो वो दो परसेंटेज दो, इंशाल्लाह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हमारा BSBM में ऐसा संगठन ऑल ओवर थ्रू बंगाल में, जब आदमी का लिए कई हम लोग काम कर रहा हूँ, इसमें कोई डोनेशन नहीं, कोई कटमनी नहीं, कोई तोलाबाजी नहीं, आदमी का जो प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करना, इन लोग अगर सकेगा तो वेल एंड गुड, इन लोग नहीं सकेगा तो हम लोग का राज्य दफ्तर मौला मौलाली में है वहाँ के हमको देंगे, इंशाल्लाह आदमी का काम हो जाएगा। लेकिन हम लोग ज़्यादातर व्यक्ति छोड़ के समष्टिगत आदमी के लिए काम करने वाला, मैं लोग एक काम करूँगा ऐसा जिसमें 10,000, 5,000, 2,000, 1,500 आदमी का भलाई हो, इस काम पर ऊपर हम लोग ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन क्रिएट करते हैं। सामने लोकसभा चुनाव है और इसको लेकर किस तरह से तैयारी है? देखिए बहुत तैयारी, हम लोग BSBM पूरा हम लोग फुल टीम हम लोग ऑलरेडी हम लोग कैंपेनिंग स्टार्ट कर दिया है, हम लोग 42 सीट है हम लोग का, इंशाल्लाह 42 सीट हम लोग को ममता जी को देना है। कहे हम लोग इंडिया जोट बांधा, इंडिया में जहाँ जो स्ट्रांग है वहाँ हम लोग एक साथ जोटबद्ध होकर लड़ाई करेंगे इंशाल्लाह। ये BJP को यहाँ से हटाना है, हम बोलते भारतीय जंजाल पार्टी, अगर जंजाल साफ नहीं होगा तो आदमी कैसे करके रास्ता पार करेगा, तो इस जंजाल को यहाँ से हटाना है, कचरा को यहाँ से उठट के फेंकना है, जो भाईचारा में प्रॉब्लम क्रिएट करता, जो हम लोग का सांप्रदायिक संप्रीति को उल्लंघन करने चाह रहा है उनका खिलाफ हम लोग को लड़ाई है इंशाल्लाह। वो सब चोट एक होकर बंगाल में आउट ऑफ 42 इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे, वो BSBM कोशिश करेंगे हम लोग, जारी रहेगा ममता जी को
सीट को हासिल करने के लिए 42 out of 42। लेकिन बंगाल में बीजेपी जो है वो संदेश खाली को बहुत बड़ा मुद्दा बना रही है और वहाँ पर हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है। बहुत अफसोस का बात है, बहुत अफसोस का बात है। संदेश के लिए अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो दुष्कृति था अरेस्ट हुआ है, कोई अरेस्ट छोड़ा हुआ है वो भी अरेस्ट हुआ है। ममता जी खुद इसके बारे में दे रहे हैं। लेकिन हम लोग को मणिपुर में क्या कांड घटा, उसमें बीजेपी का एक लीडर भी वहाँ नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट भी बोला मणिपुर से इसको कंपेयर मत करो, वापस कर दिया हाई कोर्ट में, फिर उसको वापस कर दिया, नहीं यहाँ नहीं होगा। किसके साथ किसका तुम लोग कंपेयर कर रहे हो, अफसोस का बात है। इन लोग संदेश खाली में जो घटना घटा वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन में है, उसको जो रुपया लिया गया उसको वापस दे रहा है। जमी का लैंड का जो प्रॉब्लम वो भी ममता दी ने बोला है, हम लोग का प्रतिनिधि दल गया दफा दफा मीटिंग किया, मीटिंग कर रहे हैं हम लोग। तो हम दावे के साथ आपको कह सकता हूँ ये क्रिएट किया जा रहा है। कौन क्रिएट कर रहा, आरएसएस बीजेपी। बंगाल का जो भाईचारा है, बंगाल का जो सेकुलरिज्म है, उसको तोड़ने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन ममता दी जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का नहीं। हम लोग का लीडर जो है जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। तो लाखों कोशिश कर लो, बंगाल में ममता दी का बंगाल था, ममता दी का इंशाल्लाह आइंदा रहेगा। लाख कोशिश करने से जिंदा संघर्ष ले हो जाए। पहले आप देखिए 2021 का चुनाव है, बोला था आपकी बात 200 सब पार, क्या नहीं किया मीडिया को, सब मीडिया आप लोग का जैसा मीडिया नहीं, ज़्यादातर मीडिया भी गोदी मीडिया हो गया है। मीडिया को परचेस कर लिया गया था, सरोदा नरोदा बहुत कुछ अफवाह उठाया। उसके बाद डेली पैसेंजर नरेंद्र मोदी नरेंद्रपुर में एक सभा में 500-600 क्राउड तो उसमें स्पीच देके गया हो, डेली पैसेंजर अप डाउन अप डाउन। फिर भी हम लोग 2213 out of 294। तो जितने कर ले बंगाल में हर घर में ममता दी पहुँच गया है, हर घर में आदमी के लिए काम कर रहे हैं ममता दी ने, सब मालूम है। सांप्रदायिक बंगाल का एक तो किसका बंगाल है, देखिए हम लोग इतिहास पढ़िएगा तो बंगाल है नजरुल इस्लाम का बंगाल है, स्वामी विवेकानंद का बंगाल है, रविंद्रनाथ टैगोर का बंगाल है। ये बंगाल में भाईचारा बरकरार रखनी चाहिए, सिकुलरिज्म को बरकरार रखनी चाहिए। जो ये लोग कर रहे हैं इंशाल्लाह कामयाब नहीं हो पाएंगे। बंगाल का हर आदमी, गांव देहात का आदमी खिलाफ है, ममता दी को लोग पसंद करते हैं। बांग्ला दीदी के हमारा आवाज चाहिए। 2024 में बीजेपी का नारा है कि अब की बार 400 वो तो बकवास है। उन लोग बहुत 200 आपकी बात 200 पार तो किए थे, आप लोग तो देखे खुद, उन लोगों को बोलने 400 बोलने चार क्या, 3 digits पहुंचे, 100 क्रॉस करके সকেগা কে দেখিয়েগা হাতে কি ক্রস নি কর সকে বিজেপি মঞ্চের প্রেসিডেন্ট হয়েছি আমাকে করেছেন কাজের জন্য আমাকে টাকা দিতে হবে কাজ করে ইনশাআল্লাহ দেখাবো ইনশাআল্লাহ আমার কাজের ক্ষেত্র থেকে নিয়ে আমাকে প্রেসিডেন্ট করেছে ইনশাআল্লাহ আমি গরিবের সাথে সবার সাথে কাজকর্ম করে সবাইকে মিলেমিশে নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ আমাকে বহুত আচ্ছা লাগা আমাকে অনেক ভালো লেগেছে উনি আমার গুরু আছেন ওনাকে আমি আমার প্রেসিডেন্ট রাজ্যের প্রেসিডেন্ট হিসেবে মানি ওনার নেতৃত্বে আমি কাজ করবো ইনশাআল্লাহ আগামী দিন ইনশাআল্লাহ কাম হতো আমাকে সেই করতে হয়ে গিয়া হ্যাঁ কোই কাম করলে কোই বাত নেই ইনশাআল্লাহ কাম করতে রাখ হ্যাঁ বলে হর টাইম ইয়ে সুবহ সে রাত তক সোশ্যাল মে বিজি রহতে হ্যায় ইনকো বহুত দিন বাদ ই পোস্ট মিলা হ্যায় ইনকো জগহ মিলা হ্যায় কোই গাইড দাদা বলো ইনকো জো পার্টি করতে হ্যায় ইনকো ইসসে অর আচ্ছা পজিশন ইসসে বহুত পহলে মিল জানা চাহিয়ে আজ ইনকো বুদ্ধিজীবী মঞ্চ ওয়াজুল সাহেব নে ইনকো হাওড়া গ্রামীণ জেলা কা प्रेसिडेंट बनाया हम बहुत खुश हैं और आगे चल के मिराज भाई का कोई भी काम रहेगा हम लोग सब मिल के हमारे जो भाई लोग तापुस दा गुलाम भाई हम लोग सब मिल के हम लोग उनको हेल्प करेंगे। कलकत्ता से हम लोग कुछ भी रहेगा हम लोग का उनका प्रोग्राम में कुछ हम लोग का करने का रहेगा हम लोग उनके लिए हर वक्त रहेंगे और बहुत अच्छे इंसान हैं मेनली सोशल वर्कर 100% सोशल वर्कर मिराज भाई इसका ऊपर कोई बात नहीं चाहे वो ना पार्टी देखते ना कांग्रेस CPM BJP TMC कोई भी है हिंदू मुसलमान क्रिश्चन कोई भी जाति धर्म के ऊपर में काम करते हैं। देखो खुशी तो खूब प्रथम ही जदि धन्यवाद जानाते हैं राज्य मुख्यमंत्री माननीय মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় के धन्यवाद देवा उचित कारण तिनी उपलब्धि करेछिलेन जे संख्यालघु सम्प्रदाय पश्चिमबंगे पिछिए छिलेन एटा बुद्धिजीवी टीम करे সেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে দিয়ে তাদের যে ভাব প্রকাশ মানুষের কাছে তুলে ধরা যায় তো এটা তো শুধু ভাব প্রকাশের নয় কারণ এ সংগঠন আমরা দেখেছি যে বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রত্যেকটা জেলায় সংগঠন বিস্তার করেছে তা আমাদের এখানে উপস্থিত আছে আমাদের গ্রামীণ জেলার আমাদের সভাপতি মিরাজ ভাই আছেন গোলাম সাহেব আছেন তো আমরা খুব খুশি বঙ্গীয় সংখ্যালঘু বুদ্ধিজীবী মঞ্চ বুদ্ধিজীবী মানে হচ্ছে তার বুদ্ধি সেটা বাস্তবায়িত হয় তাই জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমরা আন্তরিকভাবে অভিনন্দন এবং কৃতজ্ঞতা জানাই।
मिराज भाई किस तरह से काम करते हैं यहाँ पर और आगे किस तरह से काम करेंगे? मिराज भाई तो खूब भलोई काज करछे, ग्रामेर छेले, ग्रामे गंजे एसे मिशे गेछेन मानुषेर संगे। जे काज करार एकटा जे मानसिकता निश्चितभावे सठिक लोककेर योग्य लोककेर योग्य जायगाय दियेछेन। ग्रामे ग्रामे घुरे जे मानुष जे अवहेलित छिलो विशेष करे संख्यालघु मानुषेरा पिछिए पड़ा छिलो, तो आजके आमि ওয়াজেল साहेबेर बक्तव्य शुनछिलाम जे उनी बोलेछेन जे आमरा जे कथा दिई से कथा राखी। मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वार श्मशान कबरस्थान माने आमादेर मध्ये कोनो विभेद नेई, नाना भाषा नाना मत नाना परिधान বিভেদের মাঝে দেখো মিলনও মহান। যে বার্তা আজকে সেইটাই হচ্ছে প্রকৃতভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তুলে ধরেছেন। আজকের এই অফিস খোলার জন্য আমাদের গ্রামীণ জেলার সভাপতি ভাই মিরাজকে ধন্যবাদ জানাবো। এবং আজকে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন, এই গুরুত্বপূর্ণ দিনে মানুষের কাজ করার জন্যে এগিয়ে এসেছে। এই মানুষের কাজ আমরা করতে পারলে আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে খুশি হব। এবং যেটা আমার বন্ধু তাপস বলছে যে আমরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম, হিন্দু মুসলমান, আমাদের মধ্যে কোনো বিভেদ নেই। যারা বিভেদ তৈরি করার চেষ্টা করছে, আমরা দেখছি যে ভারতবর্ষের সম্পত্তিকে বারে বারে একটা শ্রেণী নষ্ট করার চেষ্টা করছে, কিন্তু যতই নষ্ট করার চেষ্টা করুক আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যে আপ্রাণ চেষ্টা করে আমাকে ঐক্যবদ্ধ করে রেখেছে, এই ঐক্যবদ্ধ কখনো ভাঙা যাবে না।